वेलकम टू स्टडी विद ड्रीम्स क्लासेस। तो प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमने दो वृत्त बना दिया। त्रिज्याओं की बात हो रही है, तो हमने पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 माना। दो वृत्तों के क्षेत्रफल की बात भी हो रही है, तो हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर लिखा और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर लिखा, और बाद में उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो हम इसको भी काम में लेंगे। लेकिन अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने अंश के रूप में और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने हर के रूप में लिखा, यानी कि πr1 स्क्वायर बट्टा πr2 स्क्वायर बराबर 9/4 हुआ। ये 9/4 है, प्रश्न में दिया हुआ है 9:4, को अंश बट्टा हर के रूप में लिखना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पीछे बचेगा r1 स्क्वायर बट्टा r2 स्क्वायर, और हम इसे r1 बट्टा r2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 9/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि किसी के ऊपर होल स्क्वायर लगा हो तो उसके सामने वाली जो संख्या होती है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ r1 बट्टा r2 बराबर क्या हो, बराबर 9/4 पे रूट स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ r1 बट्टा r2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 3/2 हुआ। r1 अनुपात r2 बराबर हो गया 3:2, तो मतलब आंसर 2 होगा, 3:2 इज ए करेक्ट आंसर। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ है, तो त्रिज्याओं का अनुपात ये होगा। लेकिन अगर त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात पूछते तो ये होता। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और परीक्षा की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के।